नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतसरी न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल जो है एक दुखद घटना हुई जम्मू में वैष्णो देवी भवन में, जहाँ की भगदड़ मचने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। और ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हुई जिसमें अग्निकांड हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, यह लापरवाही क्यों हो जाती है? हिंदू मंदिरों, हिंदू त्योहारों में जो है ज़्यादा लोग सतर्क नहीं होते हैं। जब कोई घटना होती है तो लोग सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, बस जग जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। क्या कहेंगे आप? नमस्कार, अपना परिचय देंगे ज़रा। अपना परिचय देंगे सर। मेरा नाम राजीव मोहन हुआ जी, और मैं भी वैष्णो देवी माँ का भक्त हूँ जी। मैं भी भक्त हूँ जी, मैं नहीं गया हूँ अभी तक। जब से यह न्यूज़ मिला है बहुत मन विचलित है, दुखद है। उनके परिवार को एक तारीख को इतना दुखद समाचार मिला होगा, वो कैसे उसको सह रहे होंगे जी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन की चूक तो है जी, इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी वजह हो, तो षड्यंत्र साजिश जी, तो प्रशासन देख रहा है उसका हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दिया, क्योंकि जो भक्त जाते हैं वैष्णो देवी के, बड़ा शांति से, बड़े शांत मन से जी। हकदर वहाँ पर झगड़ा किया गया जी, झगड़ा पर बसली किया गया कि क्या किया गया पहले, फिर उसका धक्का मुक्की किया गया जी। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, आप तो देख ही रहे हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में या इस तरीके के बारे में कई लोग या कई पार्टियाँ कुछ कहते रहती हैं। तो कभी राम मंदिर में चंदा के नाम पर, घोटाले के नाम पर कुछ कहते रहती हैं। मैंने कुछ ही तरीके से हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को में कुछ समस्याएं उत्पन्न करके ये बताना चाहती हैं। हमको लगता है कि प्रशासन कुछ कुछ वर्ष पहले केरल में सबरीमला टेम्पल में भी हुआ था, भगदड़ मचने से मकर संक्रांति के दिन भगदड़ मच जाता था, वो लोग मरे थे, अग्निकांड हुआ था। अब ये इस तरह की घटनाएं होती अक्सर होती हैं, लेकिन लोग जो हैं जगते हैं तभी जबकि कोई घटना होती है, और ज़्यादा घटनाएं होती है वो हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही होती है। पता नहीं, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। सबसे बड़ी बात है वैष्णो देवी भवन के आसपास जो सुरक्षा तो बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर ये चूक क्यों हो जाती है? अगर ये फिर जो भक्त जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के भक्त जाते हैं, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? यही तो हम कह रहे हैं कि अब देखिए प्रशासन के लिए भी बड़ा मुश्किल है कि जो जा रहे हैं उसमें कौन किस मेंटेलिटी का है, उसका इंटेंशन क्या है जी, इंटेंशन क्या है जी, हाँ वो पता नहीं चल पाता, नहीं चल पाता है जी। प्रशासन तो अब एक उसका मन को तो किसी के पढ़ नहीं सकता है नहीं, लेकिन धक्का मुक्की करना जी और उसके बाद भगदड़ मचाना जी, हंगामा करना, ये सोची समझी साजिश भी होता है। आप याद कीजिए पटना में छठ में हुआ, हाँ वो छठ में हुआ, फिर वो अभी ये क्या कहता है मकर संक्रांति के दिन हुआ गंगा घाट पे, और फिर उसके बाद वो गांधी मैदान में रामलीला हुआ था, रामलीला उसमें दशहरा के दिन भयावह घटना हुई। तो ये हम कहते हो ना, ये संभावना है इसकी बहुत। अहंकार रैली जो हुआ हाँ। राजधानी इसमें की माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे अहंकार रैली हाँ, में मैं भी था, पत्रकार दीर्घा में मैं भी था। सबसे बड़ी बात है कि ये चूक क्यों हो जाती है? और सबसे बड़ी बात है गांधी, जैसे पटना के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ गांधी मैदान में कहाँ से वो बम प्लांट हो गया बताइए। हम आपको बता रहे हैं, और फिर बहुतों को न्याय नहीं मिला। एक बात मैं और बता दूं, अभी तक जितनी घटनाएं भगदड़ के कारण हुई है मंदिरों में या गांधी मैदान या कहीं भी हुआ हो, कोई भी त्यौहार हिंदू त्यौहार के अवसर, उनसे भी उनके पीड़ितों को न्याय अभी तक नहीं मिला है। सही बात। और जो दोषी हैं वो बेखौफ हैं। मैं पत्रकार हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो दोषी हैं बेखौफ हैं, और जो पीड़ित उनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। और जो अभी वैष्णो देवी घटना में जो घटना, उसको मैं अमृतसरी न्यूज़ की ओर से सरकार से मांग करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और जितने हिंदू धार्मिक स्थल हैं वहाँ सुरक्षा और तगड़ी होनी चाहिए, और इस तरह के जिनके कारण ये घटना हुई उसके साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इनका मांग करता हूँ, और फिर मैं दोहराऊंगा जी, साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, इस एंगल से भी हालांकि हाई लेवल कमेटी बैठा दिया गया जी, लेकिन कहा ना कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, ये किसी को पता नहीं है। और वहाँ पे
इस तरीके की चूक हो जाती है और षड्यंत्रकारी लोग इसी का फायदा उठाते हैं जी। और एक बात और, अभी वैष्णो देवी की घटना हुई, विरोधी दल जो हैं, चाहे भारत विरोधी हों, चाहे नरेंद्र मोदी विरोधी हों या योगी विरोधी हैं, वो सभी जो हैं एक शब्द वैष्णो देवी घटना पर नहीं बोले हैं, वो उनको कोई दुख नहीं है, नहीं बोलेंगे भी नहीं वो, क्योंकि कह तो रहे हैं कि उनके पास ये मौका मिल जाता है ना कि प्रशासन देखिए नहीं था, बहाना इस तरीके का बात, ऐसी अफसर को ढूंढते रहते हैं, छोटा छोटा चीज घटना को ढूंढते रहते हैं। एक बार कुछ वर्ष पहले हरिद्वार में गायत्री परिवार की ओर से जो गायत्री महायज्ञ हुआ था, वहाँ भी भगदड़ में बहुत लोग मरे थे, वो घटना को भी लोग भूल गए हैं। नहीं, वही तो बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है प्रशासन के लिए भी, लेकिन प्रशासन को मैंने चूक होना नहीं चाहिए, ये बात भी सही है, मुश्किल है, उसमें और सतर्क रहना होगा प्रशासन को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।